कोल्हापुर से आया जाधव ने लगाया जांतपुर एफसी के लिए गोल, लेकिन दोस्तों लग रहा था कि हैदराबाद एफसी के डिफेंस में है बहुत ही बड़ा बड़ा होल। तो आईएसएल सीजन 6 नंबर 10 मैच हो गया, जमशेदपुर एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी मैच, और जमशेदपुर एफसी के होम ग्राउंड जेडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, और लगातार बैक टू बैक जीत हासिल किया जमशेदपुर एफसी ने इस सीजन के शुरुआत में ही। चलिए हम इस मैच की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला शुरू होती है दोस्तों, जमशेदपुर एफसी अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था हैदराबाद एफसी के ऊपर। हालांकि मैं आपको बता दिया था प्रीव्यू वीडियो में कि जमशेदपुर एफसी का पलड़ा भारी होगा, और दोस्तों वैसा ही हुआ, फर्स्ट हाफ से ही हमें नजर आ रहा था। तो दोस्तों एक बहुत ही अर्ली चांस बन गया था फारूक चौधरी के पास, लेकिन कमलजीत ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेव लगाया, जिसके चलते दोस्तों वो बच गया। और उसके बाद दोस्तों दूसरा मौका आया 34 मिनट पर, पीटी ने अपना हेड दिया और रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों आया फारूक चौधरी के पैर पर, और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने क्विक फिनिश किया, और दोस्तों 1-0 से भारत ले लिया जमशेदपुर एफसी हैदराबाद एफसी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत तो कमबैक लग रहा था हैदराबाद एफसी, थोड़ा बहुत अपना बॉल पोजीशन ठीक ठाक कर रहा था, और वैसे ही करते करते दोस्तों हाफ टाइम का जो एक्स्ट्रा मिनट होता है वहां पर जाकर मार्सिलो ने लगा दिया, एक अकेले ही दम पर गोल लगाया हैदराबाद एफसी की तरफ से, पहला गोल उनके क्लब से, पहला गोल जमशेदपुर एफसी के खिलाफ, और मैच को इक्वलाइजर कर दिया था हाफ टाइम से पहले ही। और इसके बाद दोस्तों सेकंड हाफ शुरू होती है, हैदराबाद एफसी थोड़ा बहुत तो कॉम्पैक्ट लग रहा था, पहले 10 मिनट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बॉल पोजीशन को अपने पास रखा, जमशेदपुर एफसी को उतना ज़्यादा बॉल नहीं पास किया था उन्होंने, जो कि दोस्तों पहले हाफ में गलती कर रहा था। सेकंड हाफ में पहले 10-15 मिनट उन्होंने ठीक ठाक खेला, और इसके बाद दोस्तों 58 मिनट पे एक सब्स्टिट्यूशन हुआ जमशेदपुर एफसी की तरफ से, अनिकेत यादव अंदर आया और इशाक बाहर गया, जिसके चलते दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ गया इस मैच पे, क्योंकि दोस्तों अनिकेत यादव ने एक गोल दाग दिया, बहुत ही शानदार एसिस्ट था फारूक चौधरी की तरफ से, और इस मौके को दोनों हाथ से लिया अनिकेत यादव, पूरी तरीके से गोल पोस्ट के इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, और जबरदस्त शॉट लगाकर बॉल को घुसा दिया दोस्तों गोल पोस्ट के अंदर, और स्कोर लाइन हो गया दोस्तों 2-1। और यहां से दोस्तों जमशेदपुर एफसी पूरी तरह से इस मैच पे पकड़ अपना बना लिया था। और उसके बाद दोस्तों 66 मिनट पे मार्सिलो को बाहर करा गया, क्योंकि दोस्तों उनका हाइपोथर्मिया है, इसीलिए दोस्तों पूरा टाइम नहीं दे पाएगा, और उनके जगह दोस्तों गनी अहमद अंदर आया, लेकिन दोस्तों अंदर आकर कुछ ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। और उसके बाद दोस्तों एक और गोल आया सर्जियो कस्टेल के तरफ से 75 मिनट पे, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने फिनिश किया, और दोस्तों यहां पर 3-1 से बढ़त ले लिया था जमशेदपुर एफसी, और मैच तो दोस्तों उनके नाम ही हो गया था। और उसके चलते दोस्तों इस मैच पे जीत हासिल किया 3-1 से जमशेदपुर एफसी ने, और दोस्तों बैक टू बैक विन है उनका, और पॉइंट टेबल के एकदम टॉप पर अब पहुंच गया है जमशेदपुर एफसी 6 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा मैच स्टोरी, और राफ सा भी था दोस्तों। आप लोग अगर हाईलाइट देखना चाहते हो तो इस मैच का हाईलाइट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आईएसएल के ऑफिशियल चैनल पर, और आपको हॉटस्टार पर भी मिलेगा, तो आप लोग जाइए हाईलाइट देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉकिंग पॉइंट के ऊपर। तो हमारा पहला टॉकिंग पॉइंट है दोस्तों जमशेदपुर एफसी के अटैक लाइन। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन हमें दिख रहा है, जिस तरह से खतरनाक अटैक लग रहा है आगे जाकर दोस्तों किसी भी टीम के लिए ये मुश्किल खड़ा कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि फारूक चौधरी, पीटी और सर्जियो कैस्टेल का जो कॉम्बिनेशन है अटैक में, वो बहुत ही एकदम किलिंग अटैकिंग पोजीशन है इनका, हर किसी के डिफेंस को तोड़ सकता है जिस तरह से एक कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे को। तो दोस्तों ये रहा जमशेदपुर एफसी का मेन चीज इस मैच पे जीत हासिल करने के लिए। और इसके बाद दोस्तों इस मैच का जो एक्स फैक्टर था अनिकेत यादव, कोल्हापुर से आया हुआ खिलाड़ी जमशेदपुर में खेल रहा है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जमशेदपुर एफसी को लीड दिया था इन्होंने, लेकिन दोस्तों यहां पर एसिस्ट का भी नाम लेना पड़ेगा, फारूक चौधरी ने लगाया था एसिस्ट, जिसके चलते दोस्तों अनिकेत अपना एक्स फैक्टर दिखाकर इस मैच को इक्वलाइजर से कर दिया था लीड में। तो दोस्तों एक एक्सपेक्टर खिलाड़ी था इस मैच पे अनिकेत यादव। तो दोस्तों ये रहा जमशेदपुर एफसी का कुछ टॉकिंग पॉइंट, और भी कुछ टॉकिंग पॉइंट था जो कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बताने की जरूरत है हैदराबाद एफसी के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर परफॉर्मेंस रहा है ना इधर का ना उधर का, लटक चंद लिंची जैसा हमें लग रहा है। जैसे कि दोस्तों इनके पास खिलाड़ी तो बहुत सारा दमदार खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन दोस्तों इनका मेन प्रॉब्लम है इंजरी कंसर्न। आज भी दोस्तों साहिल पनवार इंजर्ड होकर बाहर चला गया, उसके पहले दोस्तों बोबो इंजरी है उनके मेन स्ट्राइकर, साथ साथ दोस्तों रॉबिन सिंह भी उतना ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों उन्होंने प्री सीजन में परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अब उनका परफॉर्मेंस कहाँ गया मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गया है उनका इंजरी कंसर्न, साथ साथ दोस्तों उनके पास अवेलेबल खिलाड़ी भी अभी नहीं है, तो क्या वो न्यू खिलाड़ी साइन करेगा, अभी तो दोस्तों ट्रांसफर विंडो नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारा दोस्तों दिक्कत खड़ा हो चुका है।
तो देखते हैं कि किस तरह से कम बैक कर पाएगा या नहीं पाएगा। हमें तो लग रहा है कि कम बैक उनके लिए अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, लगातार मैच हारता ही जाएगा। इस तरह का अगर इंजरी कंसर्न इनकी टीम में दिखाई दिया है तो, और इनका इंजरी कंसर्न तो है ही, मैंने आपको बताया, लेकिन दोस्तों इनके स्ट्रेटेजी पर भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एक टीम ज़्यादातर अटैक में खेल रहा है, तो आप पूरा ही अपना ध्यान डिफेंस में लगा दीजिए ना। जब काउंटर अटैक पर आ रहा है तो सब खिलाड़ी पीछे खड़ा हुआ देख रहा है कि हमें गोल लग गया यार, ये क्या हो रहा है। अब भी आइए सपोर्ट करिए डिफेंस में। लगातार दोस्तों दो दो जो गोल खाया, दो दो डिफेंसर सिर्फ पेनाल्टी बॉक्स में मौजूद था और कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं था दोस्तों हैदराबाद एफसी का। तो दोस्तों यहां पर सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी में हमें बदलाव करना पड़ेगा, वर्क रेट बढ़ाना पड़ेगा। आपका जितना भी खिलाड़ी फिट है वो तो अपना परफॉर्मेंस दे अच्छी तरीके से, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं हो पा रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से। तो दोस्तों इनका टीम मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से बिखरा हुआ टीम है और इनके लिए अब जीत हासिल करना दोस्तों नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो टॉप कॉम्पिटिशन उनके पास आने वाला है, बेंगलुरु एफसी, एटीके, उसके बाद एफसी गोवा, तो उनके लिए दोस्तों और भी खराब साबित हो सकता है उनका परफॉर्मेंस, उनका स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं कि किस तरह से कमबैक करता है। मुझे तो लग रहा है कि लगातार वो हारता ही जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि इनका टीम कमबैक कर पाएगा नहीं पाएगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा रेफरी से जुड़े, क्योंकि दोस्तों रेफरी ने भी इस मैच पे थोड़ा बहुत गलती किया है, एक छोटा सा गलती जो दोस्तों तरस खाकर शायद नहीं दिया है। हैदराबाद एफसी के खिलाफ जाना था, अब लोग देख सकते हो कि पीटी को किस तरह से स्टैनकोविच ने रोक लिया था। तो दोस्तों पहली पीटी को 11 मिनट के अंदर एक येलो कार्ड मिल चुका था और उसके बाद दोस्तों दूसरा येलो कार्ड उनको भी मिलता था, लेकिन शायद हैदराबाद एफसी के ऊपर तरस खाया रेफरी ने, इसलिए उनको यहाँ पर येलो कार्ड नहीं दिया। अगर येलो कार्ड दे देता तो दोस्तों एक मैच सस्पेंड हो जाता है, तो शायद इसीलिए तरस खाकर नहीं दिया। तो दोस्तों डिसीजन गलत था, वहाँ पर येलो कार्ड बनता था। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श होकर हैदराबाद एफसी के बारे में बोल दिया, लेकिन दोस्तों अगर आप एक फुटबॉल फैन हो ना, इस तरह का मैच देखने बाद आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। तो हैदराबाद एफसी के सभी फैनों को मैं सॉरी कहता हूँ, जो दोस्तों सच है मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर कुछ गलत चीज़ आपको नहीं बताया। आप लोग अगर ठीक से सोचेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।